प्रसन्न का शाप लगा हुआ है। गज और ग्राह दोनों ही भगवान के चरणों में लीन होते हैं। गज भगवान का भक्त है लेकिन ग्राह भगवान के भक्त का भी भक्त है, इसलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले किया और गज का उद्धार बाद में किया। भगवान का भक्त होगा वो भवसागर पार करेगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का भी जो भक्त हो जाएगा वो भवसागर पहले पार कर लेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ग्राह ने 1000 साल तक गजेंद्र भक्त का, गजराज भक्त का चरणों का चरणों तक पान किया। पुकारने वाला गजराज था लेकिन जो पुकार रहा था उसके चरणों को पकड़ने वाला ग्राह था, तो पुकारने वाला भक्त और भक्त के चरण पकड़ने वाला हो गया भक्त का भी भक्त। तो भगवान ने पहले भक्त के भक्त का उद्धार कर दिया, इसकी ज्योत निकल के श्री चरणों में लीन हो गई, बाद में भक्त वो चरणों में लीन हो गया। भाव क्या है? भाव यह है, मत हरि सो तू हेत कर, भगवान से तुम्हारा प्रेम बने न बने चिंता मत करो, कत कर हरि जन सो हेत, भगवान के भक्तों से प्रेम कर। क्यों? माल मुलक हरि दीन है, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान धन खजाना भर देंगे, लेकिन अगर भक्त की भक्ति करोगे तो वो भक्त भगवान को ही तुम्हारी गोद में ले जाकर के बैठा देगा। हरि जन हरि सौंधे, इसलिए बहुत बढ़िया बात। एक हमने पढ़ी थी जीवन का सूत्र, हमें शरण किसकी लेनी चाहिए? हमें तो भक्त वत्सल की शरण ले लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात, हमने पढ़ी भी है और आप लोगों के लिए नई भी होगी। अगर गा दिया और गा दिया, नहीं गाया तो नहीं गाया, मिल गया तो गा दिया। अरे भक्त वत्सल की प्यारी शरण ले, भक्त वत्सल की प्यारी शरण ले, रे प्यारे तेरी बन जाएगी, भक्त वत्सल की, भक्त वत्सल की प्यारे शरण ले, भक्त वत्सल की शरण ले, भक्त वत्सल की चरण की शरण ले, भक्त
रानी तेरी बन जाएगी। Shut up.
सुविधा की भावना को छोड़ दे, बताने के लिए नहीं। बोले फिर वक्ता कहे कि हम बता रहे हैं, हम तो बताने के लिए बैठे नहीं। औरों को सिखाओ जो स्वयं भी निभाओ, औरों को सिखाओ जो स्वयं भी निभाओ, जग से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो, जग से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो। और अगर ऐसा किया तो क्या होगा? बिनु प्रयास ही कसौटी है जिस पर खरा उतरना है स्वयं को। जीवन एक कसौटी है जिस पर स्वयं को खरा उतरना है, एक परीक्षा है जिसमें सफल होना है, कहीं भटक नहीं जाना है। नारायण। उसके बाद में एक प्रसंग और है, यह समुद्र मंथन का प्रसंग है। इस प्रसंग में भी आपने गजग्राह के प्रसंग से सीख लिया ना, 10 तरफ भटकना नहीं है, एक को पकड़ना है। प्रणाम सबको करो, प्रणाम करने की ना नहीं है। आप रानी सती को भी प्रणाम करो और आपके इष्ट हैं हनुमान जी, तो कहना हे माता आज मेरे इष्ट देव का श्री हनुमान जी की कृपा से आपका दर्शन मुझे हो गया। कृतज्ञता अपने इष्ट के प्रति, प्रणाम सबको कर लो, अपराध नहीं है। कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति, प्रणाम सब संतों को कर लो, अपराध नहीं है, लेकिन कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति हो। समर्पण अपने इष्ट देवता के प्रति हो, यही गजेंद्र मोक्ष है। उसके पश्चात में समुद्र मंथन का प्रकरण, ये प्रकरण है कण कण में भगवान को देखना। कण कण उसकी सत्ता सर्वत्र है, लेकिन हमारे पास नजर नहीं है। वैसे उसकी सत्ता सर्वत्र है, जैसे हवा में ऑक्सीजन सर्वत्र है, जैसे गगन सर्वत्र है, ऐसे ही भगवान की सत्ता भी सर्वत्र है। हमें गगन दिखाई देता है, भगवान दिखाई नहीं देता, हमें ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन को चलाने वाली ऑक्सीजन है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, और बहुत सारी चीजें हैं जो चलती हैं। बिना पांव के भी चलती है। बोले हाँ। बोले कैसे? आपके घर में कोई अतिथि आवे, मेहमान आवे, तो आप उससे बातों बात में पूछ लेते हो कि नहीं पूछ लेते हो, ये चाय चलेगी कि कॉफी चलेगी?
चाय चलेगी कि कॉफी चलेगी? ये चाय कॉफी चलती है क्या? लेकिन आप बोल देते हो चाय चलेगी कॉफी चलेगी। अच्छा, एक व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने कहा जब तक कॉफी चले जब तक चाय ही चला दो। चलने वाली चीज, बिना चलने वाली चीज दुनिया में बहुत है। कण कण में भगवान दिखे, ये समुद्र मंथन का एक प्रकरण है। इसकी भूमिका में एक बात आती है कि देवराज इंद्र, उनसे एक अपराध हुआ है। दुर्वासा ऋषि आए हैं, तब प्रणाम किया है देवराज ने, ये तो ठीक था। देवराज इंद्र ने जब दुर्वासा को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दी, और इंद्र ने वो ही माला अपने गले से उतार कर अपने हाथी के सिर पर रख दी। जैसे किसी ने माला पहनी मंदिर से और उसको अपनी गाड़ी में रख दिया उतार कर, वो गाड़ी से पैरों में आ रही है, नीचे कहां गिर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पत्तियां भी खेल रहे हैं। जीवन में माला का, भगवान की प्रसादी माला का अपमान, गुरु की प्रसादी माला का अपमान हमसे भूल करके भी अगर हो जाएगा तो हमारे जीवन की लक्ष्मी चली जाएगी। हुआ भी वही, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। अरे दुर्मति, तेरी मति खराब हो गई, गंदी इतनी मति कि हमने माला तुझको प्रसाद की दी और तूने हाथी के सिर पर रखी, और हाथी ने क्या किया था कि सूंड में पकड़ के नीचे पटक दिया, पैरों में कुचल दिया। जब मति बिगड़ जाती है तो यही स्थिति होती है। बहुत पहले समय की बात है, दो असुर राक्षस हुए थे, एक का नाम दुर्जन, एक का नाम दुर्मति। इन्होंने ब्रह्मा की तपस्या करी, और ब्रह्मा की तपस्या करके इन्होंने वरदान क्या पाया? अमरता का। बोले अमरता का वरदान हमें दो, हम मरे नहीं। बोले मरना तो पड़ेगा, दुनिया में कोई आया उसे मरना है। इसने वरदान क्या मांगा? ये वरदान मांगा कि न शंकर मार सके, न विष्णु मार सके, और ब्रह्मा जी आप तो वरदान देने वाले, आप तो मारोगे नहीं, ना आप मार सके। अगर मेरा युद्ध ब्रह्मा से, शंकर से, शंकर विष्णु से भी हो जाए तो मुझे युद्ध में न विष्णु मार सके न शंकर मार सके। बोले ठीक है। ब्रह्मा ने कहा दुर्जन, दुर्मति, तुझे ये वरदान देते हैं, अगर शंकर तुझसे युद्ध करेंगे तो तुझे मार नहीं पाएंगे, लेकिन शंकर जी अगर समाधिस्थ बैठे रहेंगे तब, बोले तब क्या मारेंगे हमें, समाधिस्थ बैठे हुए तो हमें मार नहीं सकते, और युद्ध करें अगर हमसे तो हमें मार ना पावे, हमें तो ये वरदान चाहिए। समाधिस्थ रहे तो हमें कोई परवाह नहीं, समाधि तो भंग होगी नहीं, हम तो मार डालेंगे उससे पहले। वरदान दे दिया, समाधिस्थ होकर के अगर कोई मारे तो हम मर जाएंगे, और समाधिस्थ होकर मारने का काम कोई कर नहीं सकता। इसने शिवलोक को जीत लिया है दुर्जन, और दुर्मति ने, और विष्णु लोक को जीत लिया है युद्ध किए बिना ही, क्योंकि जब शिवजी को ललकारा है तो शिवजी मुस्कुराकर वहां से अंतर्धान हो गए, कहे कि शिवलोक के हम विजेता हो गए। क्षीर सागर में गया, विष्णु को कहा युद्ध करो हमसे, तुम्हारे काल सामने खड़े हैं, मार डालेंगे तुम्हें, शिवलोक को हमने जीत लिया है। दुर्जन दुर्मति की इस अनगरल अलाप को सुनकर के विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए वो भी गायब, तो भगवान विष्णु के शेष सैया पर आकर भी बैठ गए। वाह, ये देखो यहां के हम बादशाह हो गए। नारद जी महाराज का आगमन हुआ, देखा नारायण नारायण, इन्हें फटकार लगाए दुर्जन दुर्मति ने, यहां नारायण का नाम मत लो नारद, ये हमारा क्षेत्र है, हमारी जयकार करो, अब तो हम चारों तरफ व्रत नष्ट कर देंगे, यज्ञ नष्ट कर देंगे, तपस्या किसी को नहीं करने देंगे। नारद जी ने कहा बात तो महाराज आपकी सही है, लेकिन क्या बताएं, आप तपस्या के पीछे क्यों पड़े हो? बोले क्योंकि तपस्या करके हमने वर प्राप्त किया है, और दूसरा कोई तपस्या करेगा तो हमसे ज्यादा वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली बन गया, वो हम चाहेंगे नहीं, किसी की तपस्या होने नहीं देंगे। नारद जी बोले नारायण नारायण, फिर नारायण का नाम, अरे क्या करें, आदत बन गई है, वहां पर आ जाओ तो आपका नाम बाद में लेंगे, अभी आदत बन गई जी, अब नहीं लेंगे। तो कहा एक समस्या तो आपके लिए बन गई है। बोले क्यों? एक तपस्या कर रहा है, उसको रोको पहले जाकर। कौन? ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे हैं,
बोले ये तपस्या कर रहे हैं आपसे ज्यादा बलवान हो जाएंगे। दुर्मति और दुर्जन पहुंच गए वहीं पर और जाकर के कहा बंद करो ऋषि कुमार ये तपस्या को बंद करो। दुर्वासा ऋषि तो शंकर के अंश है, नेत्र बंद किए समाधिस्थ थे, तपस्या भंग नहीं हुई, इन्होंने खूब अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कर लिए दुर्वासा ऋषि पर। उनके चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना हुआ था तपस्या की साधना का, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाए। और धीरे धीरे करते करते तपस्या पर प्रभाव डालते डालते तीसरा नेत्र खुला, क्योंकि शंकर के अंश हैं, और तीसरा नेत्र खुला रुद्र का, अग्नि निकली, दोनों जलने लगे। अरे मर रहे हैं ब्रह्मा जी, आपने वरदान दिया था हमें मार ना सके कोई, तो कहा जागते हुए तुम्हें कोई ना मार सके ये वरदान था, लेकिन समाधिस्थ बैठे हुए कोई तुम्हें ना मार पाए ऐसा वरदान तो हमने दिया ही नहीं था। इस समय दुर्वासा ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए जागे हुए नहीं है, और देखते ही देखते अग्नि में जल करके समाप्त हो गए दुर्जन और दुर्मति दुर्वासा ऋषि की अग्नि से। और उसके पश्चात महाराज अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि लोग जलने लगे। तब प्रार्थना करी भगवान विष्णु ने, कहा इनके उस रुद्र रूप को तो केवल शंकर जी ही रोक सकते। तब शंकर जी की आराधना दुर्वासा कर ही रहे थे, शंकर दर्शन देने के लिए सामने आए, और दुर्वासा ऋषि की उस प्रसन्नता प्रकट करी के दर्शन दे करके दुर्वासा ने नेत्र खोले, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपका आगमन आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तब इनको वरदान दिया, कहा कि हे दुर्वासा वत्स तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा क्रोध बड़ा उग्र है, लेकिन ये तुम्हारा उग्र क्रोध संसार का विनाश नहीं करना चाहिए, ये दुष्टों के विनाश के लिए संभव है, लेकिन किसी और का, सदाचारी का, भगवान के भक्त का विनाश तुम्हारे क्रोध से हो ये सर्वथा अनुचित है, इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखो। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि क्रोध पे नियंत्रण कैसे रखो, आपका अंश हूं क्रोध को कैसे जीतूं। तब कहा संबंध और संपर्क ये दो वस्तु है, संबंध और संपर्क तुमको क्रोध भी दिलवाएंगे, न संबंध होगा न संपर्क होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, इसलिए हे दुर्वासा तुम कहीं पर भी एक जगह ज्यादा देर टिकना नहीं, कहीं ज्यादा देर टिकोगे तुम्हारा संबंध होगा, और संबंध होगा फिर तुम उसे अपेक्षाएं लगा के बैठोगे, अपेक्षाएं लगा के बैठोगे वो पूरी नहीं होंगी, और पूरी नहीं होंगी तो तुम्हें क्रोध आएगा। न किसी से संबंध है तुम्हारा, न किसी से संपर्क है, तो अपेक्षाएं भी नहीं है, और अपेक्षाएं भी नहीं है तो क्रोध भी नहीं। संबंध और संपर्क ही क्रोध की अग्नि प्रकट कर देंगे, पूरी ना होने पर अपेक्षा, इसलिए ज्यादा देर कहीं रुकना। आज यही दुर्वासा ऋषि है, इन्होंने शाप दिया है राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए। इंद्र पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास, नारायण के पास, भगवान ने उपाय बताया कि दुर्वासा का शाप लगा है, तो दुर्वासा का शाप क्रोध में है, लेकिन जगत का अमंगल नहीं करेगा, मंगल करने के लिए है। यहां पर समुद्र मंथन की भूमिका निर्वाह करनी है, और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जिनसे तुम बैर मानते हो उन्हें तुम्हें मित्र बनाना होगा। शत्रु को मित्र बनाना यह कसौटी है, यही तुम्हारी परीक्षा है। अरे महाराज वो तो दुष्ट है, यही तो कहेंगे, बोले वो तो दुष्ट है लेकिन तुम सज्जनता का परिचय। आज के समय अगर ये किसी को समझाएंगे तो क्या कहेंगे, बस हम ही दबे, हर किसी से हम ही दबे, हम ही दबने के लिए है, यही तो कहा जाएगा। लेकिन ये बात सज्जन को ही कही जा सकती है, झुक जाओ कुछ बिगड़ेगा नहीं। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला सीखो पहले, जिसको तुम शत्रु मानते हो, कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है, मन ही शत्रु बनाता है, मन ही मित्र बनाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, ये मन ही है। अच्छा एक बात बताओ, बेटे को देख करके खुशी होगी क्योंकि मन से माना है ना बेटा, और शत्रु को देखकर क्रोध होगा क्योंकि मन से माना है शत्रु, और जिस जो ना बेटा है ना शत्रु है, तुम्हारा परिचित ही नहीं है, अननोन व्यक्ति से अगर तुम मिलोगे ना क्रोध होगा ना प्रेम होगा, न्यूट्रल। मन से जिसका संबंध तुमने अपना मान लिया है उसके प्रति प्रेम, और जिसको पराया माना है उसके प्रति द्वेष। सारी समस्या मन की है, इसलिए
मन को पहले जीतो और जिसको शत्रु मानते हैं उसको मित्र बनाओ। फिर क्या करना है? फिर करना है तुम्हें मिलकर के काम। समुद्र मंथन, मंदिराचल पर्वत को लेकर के या वासुकी सर्प की रस्सी बनाई जाएगी, दोनों मिलकर के मंथन करो। भाई लोग हो, एक ही बाप की संतान हो, अमृत निकलेगा, अमृत तुम्हें मिल जाएगा। प्रोजेक्ट बन गया, पर्वत को लाने लगे, लाने की सामर्थ्य नहीं है। ये पर्वत ही वेद पुराण शास्त्र हैं। जिसको तुमने शत्रु माना उसको पहले बनाओ मित्र, और मित्र बनाने के बाद में फिर पढ़ो शास्त्रों को कि हमारे बीच में अब कोई खटास न आ जाए। सत्संग करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन शास्त्र भी मनमुखी ढंग से मत पढ़ो, गुरुमुखी ढंग से पढ़ो। इसलिए शास्त्रों के पर्वत को ये उठा नहीं पाए, मर गए, समझ नहीं पाए। ये बुद्धि सीमित है, अपनी बुद्धि से हम शास्त्र नहीं समझ सकते। ये तो गुरु कृपा हो गए तो शास्त्र समझ में आवे। तब भगवान नारायण आए हैं श्री हरि और पर्वत को अपने हाथ में उठाया। गुरु ही कृपा करते हैं तो शास्त्रों के अंदर छिपा हुआ ज्ञान हमें प्राप्त होता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। संस्कृत पढ़ते रह जाओ। एक श्लोक है महाभारत का, खचिरस्य सुतस्य सुतः खचिरः माता खचिरी न पिता खचिरः खचिरे न सुते न हतः खचिरः जननी परिरोधति हा खचिरः। लगाओ अर्थ क्या है? बिना गुरु कृपा के जानोगे ही नहीं। अरे गणेश जैसे भी मोहित हो जाते हैं तो हम कैसे पकड़ेंगे इन श्लोकों? गुरु कृपा होगी तो संस्कृत के श्लोकों का सार तत्व निचोड़ हमें प्राप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। शास्त्रों का पर्वत उठा करके ले आए और समुद्र के बीच में डालने का भाव, ये संसार सागर ही है, इसके बीच में शास्त्र रख दिए हैं। भाव जीवन को चलाना है तो शास्त्र के अनुसार संसार सागर में चला मत हो, मंथन करो। शास्त्र परिपूर्ण है अपने आप में, हम अपूर्ण है, शास्त्र पूरे हैं। अधूरा शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र में देश काल परिस्थिति के अनुसार बात लिखी गई है। आज के बच्चे जब ये कहें, मम्मा पापा एक्चुअली यू डोंट नो, आज समय बदल चुका है, टाइम हैज बीन चेंज्ड। आज के बच्चे ये तो कहेंगे समय बदल चुका है पापा, इसलिए आप पुरानी सोच से चल रहे हो, आज टाइम बदल गया है, हमने देखा है। अब वो बच्चे जरा ये विचार करें कि तुम कितने साल के हो, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, तुमने 20 साल तक का ही समय देखा है, लेकिन तुम्हारे मैया बाप वो हो गए 40 साल के, 50 साल के, उनने पहले का भी समय देखा है और आज का भी समय देख रहे हैं। तो तुम्हारे पास केवल एक काल का अनुभव है और उनके पास में अतीत का भी अनुभव है और वर्तमान काल का भी अनुभव है। तो विचार करो, हमारे जो बड़े हैं उनके पास में अनुभव हमसे ज्यादा होगा कि नहीं? अनुभव किताबों में नहीं मिलता, एक कागज पन्नों की किताबों में नहीं मिलता, अनुभव जीवन की किताब में मिलता है, जीवन की किताब। समुद्र मंथन प्रारंभ हो, ये पर्वत को चारों तरफ से वासुकी सर्प ने लपेटा है। ये वासुकी सर्प क्या है? ये है समय, समय, समय के अनुसार ही शास्त्र वेद में आज्ञा दे रखी है। गर्भ गर्भ गर्भाधान संस्कार का समय आ गया है, तब गर्भाधान हो। उसके बाद में महाराज कब पुंसवन संस्कार का समय आया, तब पुंसवन हो। कब महाराज जाकर के यज्ञोपवी संस्कार का समय आया, तब यज्ञोपवीत हो। कब जाकर के महाराज अंत्येष्टि विवाह संस्कार का समय आया, तब विवाह संस्कार हो। कब जाकर के महाराज अंत्येष्टि संस्कार का समय आया, तब अंत्येष्टि संस्कार हो। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार, ये सब समय से बंधे हुए हैं। आज के समय पर लोग क्या कर रहे हैं? बोले जनेऊ पहले नहीं कराते, बोले ब्याह होगा ब्याह के समय जनेऊ करा दो। जनेऊ का समय अलग है, आपने समय का अतिक्रमण कर दिया, अपराध कर दिया। कलम से माटोलिया जी कह रहे थे
कि महाराज आपने तो खूब कल समय ले लिया, खूब समय ले लिया। दुनिया के काम में समय का अतिक्रमण हो जाए तो अपराध हो जाएगा, पतन हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में अगर समय का अतिक्रमण भी हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़े आनंद की वस्तु है, इसमें अतिक्रमण कहां है? ये तो पूरा जीवन तुम्हारा हमारा भजन के लिए बना है नारायण। समुद्र मंथन हो रहा है, सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया। कोई भी काम हो गणेश जी का पूजन पहले। गजानन भूत गणादि सेवितम अमित्य प्रयोग पंचाल भक्षण आसासो विनाशकारी कमामि विवेकेश्वर पाद भजन। गणेश जी का पूजन और उसके पश्चात हाँ 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 अच्छा एक बात बताओ, मुझे आज सोच रहा हूं गणेश जी का कुछ ऐसा गाऊं तो बोलोगे कि अब गाना नहीं करना है, हमें गाना नहीं करना है। मैं थोड़ी देर बात करूंगा, थोड़ी देर बात, 10 मिनट है ना, 10 मिनट में कुछ करूंगा, अभी नहीं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गणेश जी का पूजन किया, अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, पर्वत नीचे जाने लगा, पर्वत को भी आधार चाहिए। तब भगवान कच्छप का अवतार हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप भगवान कच्छप का आकार इतना विशाल है, इतना विशाल है, पर्वत घूमने लगा भगवान के कच्छप की पीठ पर। भगवान की श्वास निकली, नींद आ गई भगवान को, पीठ खुजाल में आ जाए, खुजाए कोई पीठ तो नींद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, भगवान कच्छप को नींद आ गई। और नींद आई तो श्वास गति तीव्र हो गई, और जब श्वास गति तीव्र हुई तो समुद्र में लहरों का आना और जाना प्रारंभ हो गया। पहले समुद्र में लहर नहीं आती थी। रामेश्वरम का समुद्र देखा है? लहर नहीं है, पहले समुद्र में लहर नहीं होती थी, शांत रहता था। आपूर्य बाण मचल मचल तिरथम समुद्र मामा श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन भगवान की श्वास चलने से समुद्र में लहरों का आना जाना। अच्छा एक बात बताओ, एक कच्छप, एक कच्छप ठीक, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, चार मुंह चारों दिशाओं के लिए ठीक। अब एक बात बताओ, यहां पर गर्दन लंबी, यहां गर्दन लंबी, यहां गर्दन लंबी, यहां गर्दन लंबी ठीक। अब श्वास चली, श्वास का आरोह अवरोह क्रम है कि नहीं? श्वास चली तब क्या हुआ? इधर इधर इधर, तो बीच में, बीच में होगा नहीं होगा? तो समुद्र के बीचों बीच आप देखो समुद्र को, हमने क्रूस पर कथा करी है, और जब क्रूस पर कथा की स्टार वर्गों पर और जेमिनी पर जब कथा हुई है, तो समुद्र पर के बीचों बीच जब जहाज पहुंचा तो देखा जाकर, अरे वाह 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 वाह, एकदम शांत है, एक बिल्कुल इतनी भी लहर नहीं है, शांत। लेकिन किनारे पर ये भगवान कच्छप की श्वास। अब समुद्र के ऊपर जो पर भगवान कच्छप है, कच्छप में, कच्छप के ऊपर पर्वत है, पर्वत ऊपर उठता है, क्योंकि नीचे तो आधार मिल गया, नीचे नहीं धसेगा, पीठ मजबूत है, लेकिन ऊपर उठता है। तब भगवान एक रूप से ऊपर भी आए, एक रूप से बीच में भी है, बांधा है कि इधर उधर भी ना जावे पर्वत। आपने रस्सी को देखा होगा, चारों तरफ रस्सी होती है, पता नहीं
चारों तरफ भगवान, नीचे भी भगवान और ऊपर भी आधार। चले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालावाला करे विष्णु सर्वमयम जगत। सबसे पहला रत्न निकला विष, जहर। इस जहर को कौन पिएगा? तो कहा कि इसको तो देवाधिदेव शिव शंकर ही पिए। और शंकर जी से की गई प्रार्थना, पार्वती से पूछा पीऊं कि नहीं पीऊं, पार्वती ने कहा पी। कर्पूर गौरव करुणाम तारम संसार सारम उद्गीत हारम। कर्पूर गौरव करुणाम तारम संसार सारम उद्गीत हारम। भगवान के लिए पार्वती माता कहती है प्रभाव अज्ञान मोदक, मैं आपका प्रभाव जानती हूं, विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शंकर जी ने विष पिया, विष माने जीवन का दुख, अमृत माने जीवन का सुख। जीवन का विष भी पीना हो रोकर के मत पियो, खुशी खुशी। ये सबसे बड़ी बात है, जीवन का दुख भी पीना है तो खुशी खुशी मुस्कुरा करके। अच्छा एक बात होता, पीना तो पड़ेगा, अब रो करके पियोगे तो भी, अब मुस्कुरा करके पियोगे तो भी। रो करके पीने से तुम्हें दुख छोड़ करके चला जाएगा ऐसी बात नहीं, इसलिए शंकर जी ने मुस्कुरा करके विष पिया। हाँ, चलत कुंडलम गुरु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम गया। शंकर जी का कंठ नीला हुआ, देवताओं ने पुष्पों की दृष्टि जयकार करी है। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ महादेव की जय। और महाराज और भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, लोग कहते हैं विष का प्रभाव था। विष का प्रभाव किस पे प्रभाव डाल सकता है? बोले साधारण कोई जीव हो उस पर प्रभाव डाले, देव हो उन पर प्रभाव डाले, लेकिन जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, क्या उन पर विष प्रभाव डाल सकता है अपना? बल्कि भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ में धारण किया है, मुख में नहीं, भीतर नहीं। जीवन में दुख जवान पे नहीं आता, दुनिया के आगे अपना रोना मत रो। हाँ, ये दुनिया तुम्हारे रोने की हंसी उड़ाएगी। किसी ने कहा है इफ यू विल लाफ द वर्ल्ड विल लाफ विद यू, बट इफ यू वीप अलोन। अगर आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, खुश हो तो दुनिया तुम्हारे साथ है, लेकिन रोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं। सुख के सब साथ साथ दुख में ना हो। सुख के सब साथ दुख में हो, सुख के सब साथ दुख में हो। मेरे राम तेरा नाम एक साथ जा।
तेरा नाम एक साजा सुख के सब हो तेरे साथी दुख में
ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। शंकर जी के पास जो प्रभाव अज्ञान में बोधता है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है कि जिसके जीवन में भगवान नाम है, संसार का विष भी उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, शंकर जी के पास नाम का प्रभाव है, इसका प्रमाण कहां है? रामचरितमानस। तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपत अनंग अराती। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल कीन अमी को। प्रभाव ज्ञान मोदक, ये नाम प्रभाव। जीवन में नाम का आश्रय लो, दुख कम हो जाएगा। निरंतर दुख जितना बढ़े उतना ज्यादा भगवान नाम का आश्रय लो। मेरा अपना अनुभव तो मैं आपको बता रहा हूं। 25 दिसंबर 2013 दिल्ली में कथा शुरू होने वाली थी। शोभा यात्रा का रथ तैयार हो चुका था। सारी घटना, शोभा यात्रा की तैयारी, अचानक फोन आता है कि हमारी अम्मा जी का, दादी जी का शरीर पूरा हो गया है। बचपन से उन्हीं के पास रहे हैं, लगाव बचपन से है। यजमान ने कहा कि महाराज कथा पोस्टपोन कर देते हैं। हमने मना कर दिया, हमने कहा दूसरा वक्ता बुला लीजिए, कथा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी दादी जी गई है, मंगल काम टलना नहीं चाहिए। यो भाई, गाड़ी तैयार, अकेले जाने वाले सबको छोड़ करके हम पूरी अपनी टीम को, और दिल्ली से लेकर वृंदावन का वो 3 घंटे का समय भी कितना भारी बीत रहा होगा उस समय अकेले पर। उस समय आसरा केवल एक था, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, 100% सत्य संभाषण कर रहा हूं। उस समय महामंत्र का जप चालू कर दिया, राम राम चालू कर दिया। समाचार धीरे धीरे फैलने लगा। उस समय फोन विकास का आया, अहमदाबाद फोन आया, तो किसी को अपना क्यों कष्ट दिखाओ, किसी को भी। बड़ी हिम्मत करके नाम आश्रय छोड़ा, फोन पर बात की। उसने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा, बस हूं मैं ही बात है। गुरुजी कैसा करना है, आप जैसा कहें। मैंने तुम्हें जैसा समझ में आवी वैसा करो। उस समय गला फिर रुंधने लग गया, क्योंकि भगवान नाम का आश्रय छूटा और फिर फोन काटा। उसके बाद में लगातार वृंदावन तक पहुंचते हुए वाणी पर केवल भगवान नाम का आश्रय था, और फिर भगवान नाम के आश्रय से वो कष्ट, वो दुख जितना कम हो सकता था उतना हुआ। और जाते जाते एक प्रेरणा मिली कि घर पहुंचते ही आंसू दिखाना नहीं, क्योंकि घर में तुम्हारे दादाजी अकेले हैं। अकेले का भाव, उनकी सहधर्मिणी गई है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, इसलिए उनके आगे अगर रो पड़े, उनके आगे टूट गए तो कौन संभालेगा। भगवान नाम ने किया क्या, जैसे पानी फ्रीजर में रख दी जाए तो बर्फ बन जाता है, भगवान नाम ने भीतर के दुख को बर्फ बना दिया, कठो। वहां पहुंचने के बाद जो आंसू थे वो भीतर थे, बाहर नहीं। नारायण, और उसके बाद जो
हुआ वो अलग, दुख तो कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन भगवान नाम का आश्रय अगर ले लिया तो स्थिति होगी क्या? जैसे कोई रंग होली पर खेला जाता है, तो रंग जब किसी पर चढ़ता है शरीर पर, तो ऐसे ऐसे रंग आते हैं कि छुड़ाए नहीं छूटते, बहुत प्रयास किया जाता है छूटते नहीं है, लेकिन रंग चढ़े ही ना, इसका उपाय है कुछ? है। क्या है? अपने शरीर पर खूब तेल लगा लो, खूब चिकना कर लो, चिकनाई जितनी ज्यादा शरीर पर हो जाएगी, अब बताओ रंग चढ़ेगा? नहाते ही उतर जाएगा कि नहीं? चेहरे वेरे सब पे लगा लो, रंग तो दिखाई देगा उस समय पर, लेकिन वो सारा रंग आवरण के ऊपर होगा, त्वचा पर नहीं होगा। ऐसे ही संसार का कोई भी दुख रूपी रंग तो मैं स्पर्श नहीं कर सकता, अगर भगवान नाम का आवरण आपने अपने जीवन में लगा रखा है तो। भगवान नाम का ये आवरण होगा तो संसार का दुख रूपी रंग भी बस नाम लेते ही धुल जाएगा। ये नाम की महिमा है। शंकर जी ने विष्पान किया, अलग अलग जगह विभाजित किया गया, बहुत सारे रत्न निकले हैं। घोड़ा निकला बलि को दिया, हाथी निकला इंद्र को दिया, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग भेज दी, अप्सराएं प्रकट हुई स्वर्ग भेज दिए, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने खुद मांग करके लिए, मणि मैं अपने पास रखूंगा। क्यों? तुम ही मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूं। मणि भगवान ने अपने पास रखी और उसके बाद ततश्चाविर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनीय था। माता लक्ष्मी का प्राकट्य, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जने बोली, महालक्ष्मी माता की जय। नारायण। उसके पश्चात में लक्ष्मी जी तो नारायण की ही भार्या हो सकती हैं और किसी की नहीं। तो लक्ष्मी जी ने वरण किया, सब बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात है, इनको सब चाहते हैं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं। दुनिया में एक बताओ जो लक्ष्मी को ना चाह रहा हो। लेकिन एक बात है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन लक्ष्मी को चाहता है, महत्वपूर्ण यह है कि लक्ष्मी किसका वरण करती है, लक्ष्मी किसको चुनती है। इसलिए जीवन का एक सूत्र याद रखो, जिन जिन ने लक्ष्मी चाही, इंद्र बैठे हैं, मार्कंडे ऋषि मुनि बैठे हैं, बलि बैठा है, सब लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी उनको नहीं चाह रही, और जो लक्ष्मी की ओर देखता भी नहीं है, ऐसे नारायण के आगे आकर खड़ी होती है लक्ष्मी, माला हाथ में लेकर के इधर खड़ी हो तो नारायण इधर मुंह कर ले, इधर आमे तो नारायणियों कर ले। लक्ष्मी कहे, सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग कर सकते हो स्वामी, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अलग कर सकते हो, आप मुझे अपने आप से कैसे अलग कर सकते हो? आप मुझे चाहो ना चाहो, लेकिन मैं आपको चाहती हूं। और माता लक्ष्मी ने अपनी माला हाथ की लेकर ठाकुर जी के गले में डाल दी है। नारायण के देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जने कहा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जीवन का सूत्र याद रखो, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, नारायण के पीछे भागो। नारायण जिधर जाएंगे लक्ष्मी उधर उधर भागेगी, जिधर उसका पति है उधर लक्ष्मी है। इसलिए नारायण की भक्ति करो, अकेले लक्ष्मी की आराधना कभी मत करो। हां, लक्ष्मी को अकेले घर में मत बुलाना। मैंने देखा है कुछ जगह पर लोग केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उल्लू पर बैठी हुई है लक्ष्मी, आपने देखा चित्र कि नहीं देखा? अकेली लक्ष्मी की आराधना मत कर बैठना। क्यों? लक्ष्मी की अकेले आराधना करोगे तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और उल्लू माने अज्ञान। लक्ष्मी भी आएगी लेकिन अज्ञान लेकर आएगी, धन भी आया और दुर्मति भी हो गई, सब गया। घनश्याम दास जी बिरला अपने समधी साहब के साथ में तिरुपति बालाजी गए, तो समधी साहब कहते हैं, बोले भाई जी
या राजा ठाकुर है, इन्हें से जो मांगनो मांग लो, भंडार भर देगो। घनश्याम दास बिरला जी बोले, साई के मांगू, एक ही चीज मांगू, सद्बुद्धि बनाए रखना बस। बुद्धि सही है तो सब कुछ सही है, और बुद्धि सही नहीं है तो तुम्हारे आया हुआ धन भी बर्बाद हो जाएगा।